रोहिणी कोर्ट में जज की मौजूदगी में हुए सुसाइड के मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर सुनील उर्फ टीलू ताजपुरिया को क्राइम ब्रांच ने 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस की एक टीम टीलू को गुरुवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच मंडोली जेल से रोहिणी स्थित अपने ऑफिस ले आई। पुलिस शुक्रवार को कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी के मर्डर की जाँच कर रही है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर राहुल उर्फ नितिन और जगदीप उर्फ जग्गा को पुलिस ने उसी समय जवाबी कार्रवाई में मार गिराया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रोहिणी कोर्ट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद हत्यारों की मदद करने वाले उमंग और विनय को पकड़ लिया गया था। दोनों ने पूछताछ में कबूल किया कि हत्याकांड को मकोका के तहत मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के इशारे पर अंजाम दिया गया है। लिहाजा क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से गुरुवार को टिल्लू की 5 दिन की प्रोडक्शन रिमांड मांगी थी, जिसे 3 दिन की रिमांड मिली है। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार दोपहर को उमंग और विनय को रोहिणी कोर्ट ले जाया गया। वहां हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया गया। दोनों आरोपियों की मौजूदगी में अदालत के मेन गेट से लेकर कोर्ट रूम के पूरे सीन का खाका खींचा गया। हत्याकांड वाले दिन एक तीसरे आरोपी मोनू नेपाली की मौजूदगी भी पाई गई है, जो अभी तक फरार है। उमंग और विनय ने अभी तक की पूछताछ में बताया कि इस हत्याकांड के लिए पैसा और हथियार टीलू ने मुहैया करवाया था। कोर्ट रूम में पुलिस की जवाबी गोलीबारी में मारे गए राहुल त्यागी उर्फ नितिन जाटव की जेब से एक फोन भी मिला था, लेकिन उसमें सिम नहीं था। पुलिस जांच में पता चला कि टिल्लू मंडोली जेल से सीधा राहुल त्यागी उर्फ नितिन जाटव के संपर्क में था। इसी तरह पुलिस उमंग और विनय की कॉल डिटेल को भी खंगाल रही है। पुलिस अब अगले 3 दिन तक टिल्लू से बुलवाएगी कि गोगी मर्डर की पूरी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।